नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी मेंस 2019 का पेपर आज से चालू हो चुका है। ये है एसे का पेपर, यानी कि निबंध का। अब यूपीएससी में दो ऐसे लिखने को आते हैं 1000 से लेके 1200 शब्दों के बीच में। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आए वो समझ लीजिए, आगे आने वाली जो परीक्षाएं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्लस जो लोग अगली बार यूपीएससी दे रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ये आइडिया लग सकता है कैसे कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं। देखिए सेक्शन ए में क्या क्या पूछा गया है, इसमें विजडम फाइंड ट्रूथ, विवेक सत्य को खोज निकालता है, ठीक है। दूसरा है कि वैल्यूज आर नॉट वॉट ह्यूमैनिटी इज बट वॉट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी, कि मूल वे नहीं जो मानवता है बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे पहले वाले में हमेशा सेक्शन में वेक टॉपिक ही आते हैं। नेक्स्ट है इसमें बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी, की मतलब जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो ये आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो, ठीक है। उसके बाद जैसे व्यक्ति के लिए जो है करप्शन जो है आपको अगर आप देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है, व्यक्ति के लिए लालच सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो समाज के लिए नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू की टू सक्सेस, ठीक है। यानी कि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। तो सेक्शन ए में हमेशा ऐसे ही वेक टॉपिक आते हैं। ऐसे ही यूपी पीसीएस में भी जो पहला सेक्शन होता है उसमें भी उसमें आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड साहित्य, वो ऐसे करके टॉपिक आते हैं। लिटरेचर एंड कल्चर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। यूपी पीसीएस वाले एक बार जरूर देख लीजिएगा ऐसे के टॉपिक की लिस्ट। फिर सेक्शन बी में क्या है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी एक करना है कि साउथ एशियन सोसाइटीज आर वोवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज़, की जो दक्षिण एशियाई समाज हैं सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं। यानी कि डाइवर्सिटी जैसे इंडिया में है, ठीक है, वैसे ही और भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में सोसाइटीज़ में है। नेक्स्ट है इसमें निग्लेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर द रीज़न फॉर इट्स बैकवर्डनेस। अब इसमें जो है आयुष्मान भारत को भी थोड़ा बहुत लिंक करके वो वाली चीज़ें भी यहाँ पे बताई जा सकती थी। नेक्स्ट है इसमें बायस मीडिया इज़ द रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। ये वाला जो है आजकल के में अगर आप देखेंगे तो मीडिया जितनी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है एक्स वाई जेड जितने भी चैनल है वो कभी जो है रूलिंग पार्टी के साथ होते हैं या फिर अपोजिशन पार्टी के साथ होते हैं, मतलब कोई भी अनबायस तरीके से न्यूज़ नहीं देता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे बतानी है, जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं सबके बारे में यहाँ पे बिना नाम लिए काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा सकती थी एग्जाम्पल के साथ। और नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द थ्रेड ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग, ठीक है। तो इसका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो आना ही था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, प्लस अभी आयुष्मान भारत हो गया, इन सब पे जो यूपी पीसीएस वाले लोग हैं उस वो भी जो है यहाँ पे जरूर वहाँ पे तो तीन सेक्शन में आते हैं, उनके लिए मैंने ऐसे के अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं। जून में वीडियो डाला था उसको जरूर देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट अभी अपडेट हुए होंगे वो अभी अपडेट कर दूंगा मैं। तो ये पहला पेपर है ऐसे का, 1000 से लेके 1200 वर्ड में लिखना है। ऐसे के लिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में कि अगर आप जैसे जब भी ऐसे लिख रहे हैं इसमें तो इसमें ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन एक लिखना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में है ऐसे। अब जैसे यहाँ पे हैं जो ये जो चार ऐसे हैं इसमें कुछ कोट्स भी यूज़ करे जा सकते थे ग्रेट पर्सनालिटीज़ के, अगर कोट्स से आप चालू करते इंट्रोडक्शन में तो ज़्यादा बेटर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। प्लस इसमें बीच बीच में कई सारे फ्लो चार्ट आपको यूज़ करने चाहिए। यूपीएससी के ऐसे में जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पे बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, यहाँ पे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं ऐसे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। आगे कल का फिर पेपर रिव्यू करते हैं।